तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 12.5 के इनहांस एडिशन का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके कॉन्फर्म डेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करेंगे गाइस कि यहां पे MIUI 12.5 के इनहांस एडिशन में एक न्यू कमाल का फीचर देखने के लिए मिल रहा है, जिसे गाइस आप रैम एक्सटेंशन के नाम से भी जानते होंगे। तो गाइस आपको रैम एक्सटेंशन के फीचर्स को कैसे इनेबल करना है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप भी हैं Redmi 9 Prime डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को शुरू से तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस Redmi 9 Prime डिवाइस में ग्लोबल साइड में MIUI 12.5.3.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट है, लेकिन गाइस ये अपडेट अभी तक सभी यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिला है MIUI 12.5.3.0 का, तो गाइस इसमें MIUI 12.5 के एनहांसिंग एडिशन का अपडेट देखने के लिए मिल गया है। तो गाइस जैसे ही ग्लोबल साइड में सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोई भी अपडेट ग्लोबल साइड में देखने के लिए मिल जाता है तो गाइस उसके अप्रोक्स 15 टू 20 डेज बाद इंडिया में भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस यहां पे Redmi 9 Prime डिवाइस में अप्रोक्स 15 टू 20 डेज बाद इंडिया में भी MIUI 12.5 के नए एनहांस एडिशन का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस यहां पे अगर बात करें इस अपडेट के वर्जन के बारे में, तो गाइस ये अपडेट का वर्जन में भी गाइस आप लोगों को MIUI 12.5.3.0 का देखने के लिए मिल सकता है। इस अपडेट के साथ में आप लोगों को MIUI 12.5 के एनहांस एडिशन का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें गाइस कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस यहां पे मे बी गाइस कि आप लोगों को नवंबर महीना के एंड वीक तक देखने के लिए मिल सकता है, या फिर गाइस आप लोगों को दिसंबर महीना के फर्स्ट वीक तक देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस आप यहां पे जो भी है Redmi 9 Prime डिवाइस के यूजर्स, तो वो थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि पहले जो अपडेट देखने के लिए मिलता है वो गाइस यहां पे पायलट यूजर्स को देखने के लिए मिलता है। उसके अप्रोक्स 1 वीक बाद अपडेट में कोई भी बग नहीं रहता है, तो जाके सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होता है। तो गाइस इसी वजह से आप यहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, जो पायलट यूजर्स है सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। तो गाइस अब बात करते हैं कि MIUI 12.5 के एनहांस एडिशन में एक कमाल का न्यू फीचर देखने के लिए मिल रहा है, जिसे आप रैम एक्सपेंशन के नाम से भी जानते होंगे। तो गाइस इस फीचर को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने डिवाइस के सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। तो गाइस उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस फिर से आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको एक ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आपके सामने एक रैम एक्सटेंशन का एक ऑप्शन दिखेगा, तो गाइस आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस फिर से आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, फिर से आपको रैम एक्सटेंशन का एक ही ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस आपको उस पर क्लिक करना है। गाइस उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने नीचे से दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा लेटर का, एक दिखेगा रिबूट का। आपको रिबूट पे क्लिक करना है। रिबूट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस आपका फोन रिबूट होने लगेगा। रिबूट जैसे ही हो जाएगा आपका फोन, तो गाइस आपके फोन का जो रैम होगा वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब फोन का रैम इंक्रीज होता है तो गाइस फोन के परफॉर्मेंस जो होता है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस यहां पे आप लोगों के रैम जैसे ही इंक्रीज होगा रैम एक्सपेंशन के फीचर्स को इनेबल करने के बाद, तो गाइस वैसे ही आप लोगों के फोन के परफॉर्मेंस जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो गाइस आप कुछ इसी तरीके से यहां पे फोन के रैम एक्सपेंशन फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। खैर गाइस Redmi 9 Prime डिवाइस में MIUI 12.5 के एनहांस एडिशन का अपडेट जब भी देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस ये वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।